वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी ऐलान। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि तुम्हें मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे गुजर रहे हैं रमजान। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है नहायत ही अफसोसनाक है। मतलब हम क्यों इतना नेगेटिव होते जा रहे हैं कि हम हमेशा सामने वाले को नीचे ही दिखाने में लगे रहते हैं और उससे सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं। खैर ये तो थी हमारी बात, पर समा के होस्ट ने जो किया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नहीं है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो आप शेयर भी नहीं सकते ना, ये तुम्हें कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेंसिबल हो, करो आप बॉडी बना, फिर उसके बाद आप बॉडी दिखाओ, लड़कियों को बॉडी दिखाओ। नेशनल टेलीविजन के सामने बैठना और शो को होस्ट करना इंतहाई जिम्मेदारी का काम है। पब्लिक आपको देख रही होती है तो आपका फर्ज है अपने कंटेंट को ऐसे पेश करें कि पब्लिक आपको सराहे, आपसे सीखे। किसी मेहमान को बुलाएं तो उसे ऐसे गुफ्तगू की जाए कि पब्लिक के दिल में उसकी रिस्पेक्ट बढ़े, क्योंकि मेहमान का रुतबा हमारे दीन में बहुत ऊंचा है। हजरत अबू शुरैह खुवैलिद इब्न अम्र खुज़ाई रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो उसे मेहमान की इज्जत करते हुए उसका हक अदा करना चाहिए। और उसके बावजूद समझ चला कि होस्ट ने कुछ ये किया। आप बॉडी बनाए तो वो एक अलग मामला है, बट जनरली वो वल्गर है। नहीं, वॉशरूम में डांस करना तोलिया लपेट के ये वल्गर है। योर डेफिनेशन कुड बी डिफरेंट, लेकिन मेरी डेफिनेशन यही कह रहा हूं है नहीं ना। मैं वॉशरूम में जाके तोलिया लपेट के वीडियो बनाऊंगा भी नहीं, मैं बनाऊंगा भी नहीं। एक नॉर्मल इंसान ये बनाएगा भी नहीं, एक सेंसिबल इंसान ये करेगा भी नहीं ना सर। ये बात नहीं है, अगर आप फॉर शेयरिंग ऐसी वीडियो बना रहे हैं नहीं, मेरे पास ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप शेयर भी नहीं सकते ना, ये तुम्हें कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सेंसिबल बस थोड़ा हौसला रखें नहीं, फॉर यू इट कुड बी एंटरटेनमेंट, फॉर मी इट्स नॉट। मैं अपनी राय दे रहा हूं, जिस तरह आप उन कमेंट्स को बर्दाश्त करते हैं मैं चाहूंगा आप इस राय को भी बर्दाश्त। समझ चैनल का होस्ट नासिर खान जान को बार बार वल्गर बोलता रहा, उसकी इंसल्ट करता रहा। नहीं, वॉशरूम में डांस करना तोलिया लपेट के ये वल्गर है, जिसका नासिर खान जान बहुत इत्मीनान से जवाब देता रहा। लेकिन इसके बावजूद समझ चैनल का होस्ट खामोश नहीं हुआ और अपनी आवाज ऊंची करता रहा और एंड में ये बात बोली कि जैसे उन कमेंट्स को बर्दाश्त करते हो मेरी राय को भी बर्दाश्त करो। जिस तरह आप उन कमेंट्स को बर्दाश्त करते हैं मैं चाहूंगा आप इस राय को भी बर्दाश्त करें। मतलब आप एक मेहमान को अपने शो में बुलाएं और उसे नेशनल टीवी पर जलील करें और कहें कि इसे बर्दाश्त करें। नासिर खान जान एक कंटेंट क्रिएटर है, उसका कंटेंट जैसा भी है पर ओरिजिनल है। अगर आपको उसका कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है या पसंद नहीं आ रहा है तो मत देखो, पर उसे अपने शो में बुलाकर ऐसे जलील करना सिर्फ इसलिए कि आप एक टीवी चैनल के होस्ट हैं यह किसी को भी नहीं है। खैर ये वीडियो काफी वायरल हुई, इसके बाद समझ चैनल के एंकर को माफी मांगनी पड़ी। मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ, हमारे एक मेहमान आए नासिर खान जान, लेकिन मैं उनका एहतराम ना कर पाया। मैंने कुछ सवाल किए, मेरे वो सवाल गलत, मेरा तरीका गलत, मेरा अंदाज गलत, उससे दिल आजारी हुई नासिर खान जान की, उनके मद्दाहों की और हमारे देखने वालों की। वैसे ये आजकल आम सी बात हो गई है, मीडिया पर किसी को बुलाना उसे जलील करना जिससे रेटिंग्स मिल जाती हैं, और अगर उसका नेगेटिव रिएक्शन आ जाए तो माफी मांग लेना। खैर ये सीन हुआ, माफी भी मांग ली गई, पर शो में एक और चीज हुई जो शायद ही किसी और ने नोट की हो। पेशावर में भी और कुछ और इलाके में जहाँ पर पहला रोजा रखा गया है। पिछले कुछ सालों से एक नेशनल इशू बन गया है और साथ साथ दीन के हवाले से भी मसला बन गया, जिसे समझ चला कि एंकर ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। मीडिया पर्सन होना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या मैसेज पब्लिक को दे रहे हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट से बताओ कि तुम सबके बारे में क्या सोचते हो। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करो। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, और मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।